तो भाई फाइनली फ्रेश फ्रेश हो गया, मतलब मुंह हाथ नहीं धोए, पर ठीक है। का प्लान ऐसा है, अपन लोग जा रहे हैं ताजमहल। बाकी यार अपना होटल नाम भी तो बहुत बड़ा है इसका, मतलब होटल ताज है, देख जिम हो रहा। हाँ, 5 स्टार में रुके हैं भाई। पैसा हो तो सिद्धांत जितना वरना होना पर ये दिक्कत कर दी, तेने कुछ दिया ही नहीं। कॉफी पिएगा तू तो मुंह धोने जाएगा, अभी मुंह हाथ धो के आएगा तो टाइम लग जाएगा। फिलहाल अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी देर में मिलता हूँ। मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया मेरा देखते। मुझे से बंदे तो ऐसे आगे बैग बैग फेंकते हैं, मेरी टी शर्ट से मैंने भी फेंकी, मेरा पजामा ये होता है, देखो पर्सनैलिटी डिफरेंस। चलो सर मिलता हूँ मैं नीचे। कब दी थी? अभी कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जाना है, यहाँ बस जा रही है मेरे भाई। यही थी कि आगे और आगे 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 अबे तो मैं तुझे ऐसे बोल रहा हूँ, मैं रोज आ रहा है इधर। तो भाई अभी फिलहाल सीन ऐसा है, मैगडी जा रहे हैं हम लोग खाने के, थोड़ा एक तो इतना बढ़िया मतलब सोचा ही था। देखो चलो सर, ताज यहाँ से एक ही है। एक ही तो होगा। अरे 1 किलोमीटर नहीं, ताज यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर बैठेगा। अच्छा, यहाँ से हम आपको छोड़ेंगे, वहाँ से बैटरी वाली गाड़ी जाएगी। अच्छा, वो आपको ताजमहल एक आदमी का 20 रुपए लेती है, वो बिल्कुल ताजमहल से फ्राइडे को बंद रहेगा। ताजमहल हमें पता ही, हमें नहीं पता था फ्राइडे को बंद रहता है। भैया 30 रुपए लेंगे। गाइड नहीं चाहिए ना, ना भैया जी, मैं तो मुझे तो पता है बॉटम से घूमना है तो 45 का है। किस चीज का? टूरिस्ट गाइड का? ताजमहल का। अच्छा, ताजमहल का। हाँ सर, वो है रिकॉर्ड करने के लिए, इसके अंदर ये कैमरा है, वो ये तो पावर बैंक है, कैमरा है, माइक है। सर वाइल्ड नहीं जाता, देखो सर ट्राई कीजिएगा कि मैं अभी ज्यादातर यूट्यूबर को अभी घुमाया है मैंने 8-10 दिन, वो अंदर माइक लगा के लेकर आए वहाँ पर देख लिया था, तो फिर बाहर रखवा दिया। बाहर बाहर तक, बाहर बाहर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, इसके अंदर जाना है, तू पट अच्छा अंदर जाने के। हाँ, ऊपर आपको ज्यादा क्राउड नहीं मिलेगा, यहाँ तक तो अंदर नहीं, सिर्फ इसके इस पोर्शन के अंदर ही जा सकते हैं, लाइक मॉस वगैरह मकबरा वगैरह देख सकते हैं। हाँ सर, इसके अंदर जाकर ना तो उनकी रेप्लिका टूम्स है ना, वो वहाँ पर बनी हुई है। तो सर 1 साल में 2-3 दिन घूमती है, शाहजहां का बर्थडे सेलिब्रेट। मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा जहाँ तक आप वीडियो शूट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नहीं कर सकते? उसके बाद में आप वीडियो शूट अलाउड नहीं है, भी नहीं कर सकता। हाँ, अलाउड नहीं है। मगर सर आजकल वही वाली एंट्रेंस बिल्कुल नहीं बनी है। जो गार्डन का जो डिजाइन को देखिएगा कि मुगल्स के टाइम पर किस टाइप से गार्डन थे, और धीरे धीरे कर ब्रिटिश ने गार्डन को मेंटेन करना स्टार्ट, मतलब पेड़ थे। हाँ, सबसे ज्यादा जो ब्रिटिश के टाइम पर जो वेल मेंटेन जो गार्डन है वो 1901 में मिले, जब एक ब्रिटिश गवर्नर आया था लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे पेड़ों को काटकर और इंग्लिश टाइप के गार्डन बना दिए, उसमें काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, ट्रीज लगे हुए। फिर 1993 में जब ताजमहल हेरिटेज बिल्डिंग बना तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस टाइप के गार्डन बनाए। अभी जो ताजमहल की विजुअलिटी है वो सब इस टाइप से सबसे पहला जो मुगल किंग है वो इंडिया में, मतलब ये जो 6 में आया था, जो कट भी करे उसी वक्त के सब। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं छेड़ा हुआ, डोर्स नए हैं, डोर्स तो दिख रहे हैं, पर ये जो जितने भी कट वगैरह हैं, ये जो आर्चिस बनी हुई है ना सारी उसी टाइम की बनी हुई है, आज तक कुछ भी नहीं है। भाई साहब से काटे होंगे भाई, बिल्कुल एक्यूरेट यूज किया है वो, सामने वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ जो चार जो गेट्स बनाए हैं उनके चार अलग अलग रीजन, शाहजहां की 3 वाइफ थी, और सबसे पहले जो 3rd नंबर की वाइफ थी के मरने के बाद ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम पर जो फर्स्ट और सेकंड वाइफ थी, जब वो ताजमहल को विजिट करने के लिए आया करती थी, तो फर्स्ट वाली जो वाइफ थी वो वेस्ट गेट को ली, सेकंड वाली ईस्ट गेट। अच्छा, साउथ वाला जो गेट है पूरे ताजमहल के अंदर 20,000 वर्कर्स यूज करे थे, तो वर्कर्स के लिए साउथ गेट बना हुआ, वर्कर्स की जो फैमिली थी वो उस गेट के बाहर, जो वर्कर्स थे उनकी जनरेशन आज भी आगरा में, वो हर फ्राइडे को ताजमहल को रिपेयर करने के लिए आते हैं, इसीलिए हर फ्राइडे को ताजमहल बन रहा है। ये मेन एंट्रेंस है ताजमहल, इस एंट्रेंस गेट को बिना पास किए हुए हम लोग ताजमहल को नहीं देख सकते। बाप रे कितना मैसिव है यार, रॉयल गेट है, इसकी जो हाइट है वो 105 फीट है। बहुत मैसिव है यार, जब आप भाई लिटरली बहुत मैसिव है, मैंने तो फोटो में सोचा नहीं था इतना मैसिव होगा। जो आर्किटेक्ट थे पहले थे ईशा फंदी शाह और दूसरे थे अहमद लाहौरी,
दोनों ने ही पूरे ताजमहल के डिजाइन में तीन ब्यूटीफुल डिजाइन दिए हुए हैं, आर्ट दी हुई है, इसीलिए आर्ट बहुत फेमस है। एक तो सिमेट्री, पूरी बिल्डिंग को सिमेट्रिकल बनाया हुआ है, जैसा ये रॉयल गेट फ्रंट से है ऐसा ही बिहाइंड से। तो ये तीनों अलग अलग आर्किटेक्ट्स का डिजाइन है सर? दो सर, ईशा अफंदी शाह और अहमद लाहौरी। तो ताज किसी और का है और ये नहीं सर, पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स इन दोनों ने ही डिजाइन किया है। अरे दो थे मतलब बनाने वाले? दो थे सर। आगरा फोर्ट भी सर इन्होंने ही किया, दिल्ली वाला फोर्ट इन्होंने ही किया है सर डिजाइन। दूसरी जो आर्ट है उस गेट के ऊपर फ्लावर्स राइटिंग और डिजाइन बने हुए हैं वो सभी ओरिजिनल मार्बल के हैं। वो जो आर्ट है वो इनले आर्ट है, सबसे पहले मार्बल को फिक्स करते हैं, उसके बाद में हिना यूज करा उसके ऊपर, फिर चारकोल से फ्लावर का डिजाइन बनाया, फिर चीजल से और हैमर से कैविटी बनाकर अलग अलग कलर्स के मार्बल को फिक्स करते हैं। पूरे ताजमहल के अंदर 28 टाइप के मार्बल्स यूज किए हुए हैं जो अलग अलग कंट्रियों से लिए हुए हैं। राइटिंग लिखी हुई है अरेबिक राइटिंग है जो कुरान से ली हुई है और वो मॉर्निंग प्रेयर लिखी हुई है। ज्यादातर जो राइटिंग से हम लेफ्ट टू राइट लिखते पढ़ते हैं, मगर ये और चाइनीज राइट टू लेफ्ट। अंदर जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक पैराडाइज बिल्डिंग बनाने की कोशिश करी है शाहजहां, जो स्पेस नाम के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद को दिया हुआ है वो स्पेस यहाँ पर शाहजहां ने क्वीन को देने की कोशिश करी है। जब हम इस बड़े वाले गेट को पास करेंगे ना, आप ताजमहल को देखेंगे और इमेजिन कीजिएगा कि जब 400 साल पहले शाहजहां यहाँ पर आया करते थे तो अंदर कोई नहीं हुआ करता था, कुछ वर्कर्स थे जो ड्रम्स को प्ले करते थे। ये सेंटर लाइन है, लाइन के ऊपर वॉक करते हुए और वीडियो को शूट करेंगे तो जब हम सेंटर में जाके पहुंच जाएंगे ना, सेकंड वाला जो आर्च है ना उसमें आपको पूरा ताजमहल दिखेगा। आयुष आयुष हाँ देहरादून देहरादून उत्तराखंड भाई कितना, हम तो देखते नहीं, हम तो आते थे 73। उस टाइम पर जो सारे फाउंटेन्स हैं वो मैनुअली पावर काम करते हैं, पंपिंग से प्रेशर से। मतलब मैनुअली कैसे, मतलब एक बंदा होता था 24 घंटे सर? वो ऊपर वाटर टैंक बनाकर यहाँ ऊपर ह्यूमन पावर। हाँ सर ह्यूमन पावर, तो एक बंदा 24 घंटे लगा रहता था सर? 24 घंटे नहीं, जब शाहजहां आया करते थे मतलब तब भी रहते थे, महीने में आ गया एक बार 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए। अच्छा तब सर रॉयल्टी थी सर। पूरे ताजमहल के अंदर 16 गार्डन्स बने हुए हैं वो ब्रिटिश की जनरेशन को शो करते हैं। अच्छा ये वेल मेंटेन है जो सब ब्रिटिशर्स के टाइम का, और बाकी जो और जो उस तरफ वाले पेड़ हैं वो मुगल्स की जनरेशन। अच्छा जैसा मैंने पहले वाले पिक्चर में जैसा गेट फ्रंट से था वैसे पीछे से है भाई। आर्किटेक्चर कितना, जो राइटिंग है वो राइटिंग चेंज है, ये इवनिंग प्रेयर है, फ्रंट पर मॉर्निंग है यहाँ पर इवनिंग, पर उस वक्त का आर्किटेक्चर। अरे सर भाई इसीलिए तो सर सिमेट्रिकल बनाई है ना सर, पर तब भी जो कर्व काटे हुए एकदम प्रॉपर बिल्कुल ऐसे सर। ताजमहल की भी चारों साइड सेम आइडेंटिटी है, जैसा ताजमहल फ्रंट से दिख रहा है ना हर साइड से ऐसा ही दिख। और पूरे जो ताजमहल का डिजाइन है एक क्राउन से लिया हुआ है, ताज मींस क्राउन एंड महल मींस पैलेस, क्राउन पैलेस का डिजाइन। ये सेंटर प्लेटफॉर्म है बिटवीन गेट एंड द मेन मॉज़ोलियम। इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बेंच बनी हुई है जो प्रिंसेस डायना बेंच के नाम से फेमस है। डायना जो क्वीन थी इंग्लैंड की 1992 में वो यहाँ पर आई थी, उन्होंने वहाँ पर पिक्चर लिया था, उसके बाद से वो बेंच इतनी फेमस हुई है कि वो उस बेंच का नाम आज प्रिंसेस डायना बेंच। यहाँ से देखने पे व्यू बिल्कुल अलग दिख रहा है, प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया हुआ है। मतलब जैसा हम लोग सोचते हैं उसका बिल्कुल, मतलब आके देखना पड़ेगा यहाँ पे, फोटो में नहीं बता सकते। नहीं सर क्या है ना कि उसके पीछे की जो बहुत सारी जो स्टोरीज होती है ना वो बहुत अलग अलग होती है। मैंने सुना है वो यमुना के फ्लो को कम होने की वजह से इसका पत्थर झुक तो नहीं रहा है। एक्चुअली में क्या है ना कि जो उसमें वुड लगाई हुई टीक वुड वाटर, अगर उसको अगर वाटर मिलता रहेगा तो वो सॉलिड रहेगी हमेशा, टीक वुड जो होती है। अब जैसे कि जो राइट वाला जो बिल्डिंग है वो गेस्ट हाउस है, बाद में बना है सर, सब कुछ पहले ही है, पहले का ही है, कुछ भी नहीं है। अच्छा मतलब गेस्ट हाउस कन्वर्ट कर दिया? हाँ सर गेस्ट हाउस ही बोलते हैं उसको हमेशा, वो मॉस्क है। अच्छा मॉस्क है। हाँ, दोनों साइड में मॉस्क नहीं बन सकती है, वो मॉस्क है वो गेस्ट हाउस है, क्योंकि पूरे इंडिया से जितनी भी मॉस्क होंगी वो वेस्ट की साइड होगी। जैसे मैंने बताया था कि पूरे ताजमहल का जो डिजाइन है वो क्राउन से लिया हुआ है, वहाँ पर जो चार जो टावर्स है ना वो चार सोल्जर्स हैं और चार सोल्जर्स एक क्राउन को सेफ किए हुए हैं। उसमें जो दोनों राइट वाले टावर है ना 3 डिग्री राइट की तरफ झुके हुए हैं और लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ, ये ऐसे बाहर ये ऐसे बाहर।
अच्छा है ऐसे में। हाँ, सर, ये टावर दिख रहे पिलर सर, नेकेड आई से नहीं बता सकते ना। हाँ सर, ये इसलिए बने हुए हैं कभी, हाँ तीन तीन डिग्री, तीन तीन डिग्री बने हुए हैं कि कभी अगर फ्यूचर में अर्थ पे आता है ये टावर्स टूटते हैं तो हमेशा बाहर की तरफ गिरेगा। अच्छा, इस बिल्डिंग को डैमेज नहीं करता। रीजन 33 डिग्री लीनिंग किया हुआ है तो देखने वालों को लगता है कि टावर्स स्ट्रेट बने हुए हैं। इतनी हाइट है इन टावर्स की कि अगर इनको स्ट्रेट बनाते ना बिल्कुल, देखने वालों को बिल्कुल ऐसा लगता कि लीनिंग अंदर की तरफ। यहाँ पर जो व्हाइट मार्बल लगा हुआ है वो मकराना मार्बल है, राजस्थान से लिया हुआ है। जहाँ जहाँ ने ये जो बिल्डिंग है सिर्फ थर्ड नंबर वाइफ के लिए बनाई, इस वाली बिल्डिंग के बाद एक और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था इसके जस्ट बिहाइंड में, जहाँ पर वो ब्लैक मार्बल यूज करना चाहता था। अच्छा सर, मारोगे ना सर तो 100% काट लेते। अरे मैं तो, मेरे को तो ऐसे काट लेती हूँ, मेरे को तो पूछती भी नहीं काट लेते। के बाद में 8 साल बाद जब शाहजहां आगरा फोर्ट में मरे तो शाहजहां की बेटी ने शाहजहां को यहीं पर बरिड करवाया, क्योंकि काले वाले ताजमहल का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ था, सिर्फ फाउंडेशन था, क्योंकि औरंगजेब ने उसको कंप्लीट नहीं करवाया था। जैसा था वैसे ही डिजाइन करने में 9 महीने लगे थे, तो 9 महीने के लिए मुमताज महल की बॉडी को बॉक्स में और गार्डन में टेम्परेरी बरिड किया गया। फिर जब डिसाइड हो गया था उस बॉक्स में, हाँ सर, फिर जब डिसाइड हो गया था कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर करनी है तो उनको मेन यहाँ से देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट सीमेंट। जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो लग रहा था कि बिल्डिंग स्क्वायर होगी, मगर जो फाउंडेशन है वो स्क्वायर है और मेन जो मोजोलियम है वो ऑक्टगन है। सर ऑक्टगन इसलिए बनाया है, फ्रंट से तो लग रहा है स्क्वायर, फ्रंट से वो सर बहुत ध्यान से देखने सर एक साइड है, नहीं नहीं ऑक्टगन नहीं तो हो रहा। सर जो डोम है ना, डोम बहुत बड़ी डोम है, वो डोम के वेट को डिवाइड करने के लिए ऑक्टगन डिजाइन है। टिकट टिकट यहां तक अलाउड है। अच्छा, उसके बाद 245 मतलब 45 नहीं तक अलाउड है, मतलब ऊपर से ही मार्बल ही है। नहीं सर, ऊपर से मार्बल नहीं है सर, अब तो सर ये वुड है ना सर। अच्छा, रोज 15,000 से 20,000 लोग इसको यूज करते हैं मार्बल वाली को सेफ करने के लिए। ना उसी के ऊपर लगी है ना। हां सर, पीछे से देखिए, वहां देखना भाई सर, पूरी क्रेविंग है। बाप रे बाप, ये नेचुरल क्रैक्स है। उस टाइम में कैसे करी ये क्रेविंग? मैं तो पानी से हो जाता है सब। सब उस टाइम पर सर चीजल से और हैमर से, वो तो समझ नहीं आ रहा। फिनिशिंग देखना सर, फिनिशिंग सर जितनी भी दूर से देखोगे एक एक डिटेल्स यहाँ से दिखेगी आपको डिटेल्स, मतलब एक एक चीज में अलग कलर्स के मार्बल हैं जो व्हाइट मार्बल में फिक्स किए, इवन ब्लैक लेटर्स भी मावली है भी सर, ऑनेक्स लगा हुआ है, डिजाइन ही तो है। बाद में सर पेस्ट किया हुआ है। चिपकाया कैसे फिर सर? स्पेशल ग्लू से, इतना तगड़ा है ग्लू, ऊपर देख के तो मैं सर घूम गया। मैं ये टॉर्च है हिट करूंगा तो देखो कैसे मस्त लगेगा। हां यार जल रहा है तो, अरे बाप रे, बस ही वाला करेगा, इस पे करूंगा उसको नहीं करेगा। ऐसा क्यों सर? ये दूसरा है ना, ये कोरलियन है, ये कोरलियन मतलब ये जो ऐसे ही रात में शाइन करता है सर। यहाँ पर देखो भाई, रात को इतना तो नहीं चमकता है पर हल्का फुल्का चमकता होगा। अगर इस टाइम पर एक मार्बल बहुत फेमस है, एरियन मार्बल, एरियन मार्बल लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इस वाले स्टोन पे खड़े हो और इस तरफ देखो, खड़े सर ये वही वाला सेंटर पॉइंट है जो मैंने आपको वहां दिखाया था। भाई फाइनली वी आर बैक, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था मुझे वापस आए हुए, लाइट खोल लेता हूँ पहले। तो फिलहाल हमें आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा थक गए तो ऊपर से मेरे कैमरे की ना बैटरी लो गई तो बाकी रिकॉर्ड कर नहीं पाया। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप आ रहे हो ना भाई ताजमहल तो भाई लिटरली ये मान लो कि आपको आना चाहिए, अगर आप नहीं आ रहे हो ना तो आपकी गलती है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब फोटोज़ में आप सोचोगे सही वैसे ही,
पर जब रियलिटी में आप देखोगे ना उस चीज को, इतना सुंदर लग रहा था, इतना प्यारा, मतलब लिटरली मजा आ गया। मैं तो भाई आई वॉज लाइक अरे वाह, इतना मैसिव और इतनी अच्छा आर्किटेक्चर उस टाइम पे, मतलब तो सोच के मतलब दिमाग नहीं चल रहा है कि इतना तगड़ा आर्किटेक्चर उस वक्त में कैसे हुआ। मेरे हिसाब से तो देखो अगर कोई आना चाहता है तो डेफिनेटली आए आगरा, आगरा आओ ताजमहल तो डेफिनेटली देखो। एक एक चीज़ की बारीकी निकालना ना आपको मुश्किल लगेगी कि ये थोड़ा टेढ़ा है वो टेढ़ा, बिल्कुल एक्यूरेट बना रखा है वो भी बिना मशीनों के, काट काट के बता नहीं कैसे मार्बल काटे, कैसे जोड़े वो, कैसे बनाया, पर भाई अभी तक टिका हुआ है 400 साल तक, तो भाई बहुत तगड़ा आर्किटेक्चर था। बाकी अभी होटल आ गए, सिद्धार्थ नीचे अपना कुछ काम निपटा रहा है, अभी अभी बाहर ही गया था, बाहर से भी आया हूँ, अभी यहाँ पे बस पार्किंग का मैं स्लिप रख देता हूँ। एंड भाई लिटरली आज बहुत टायर्ड हूँ, ड्राइव किया फिर आए, और कल भी ऐसे निकल जाएगा, पूरा दिन जाएंगे ड्राइव करेंगे वापस जाएंगे, तो इट विल बी अ हेक्टिक डे, बट स्टिल मेरे हिसाब से आई एंजॉयड। और भाई जो मैंने सोचा था उससे तो बहुत ऊपर है, बहुत सुंदर है, बहुत मैसिव है, और आप खुद देख के हैरान हो जाओगे, तो मैं डेफिनेटली आओ। थोड़ी बहुत चीज़ें जो रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए वहाँ जाके मैंने रिकॉर्ड नहीं की, हाँ मेरे पे ऑप्शन में कर सकता था बाकी लोगों की तरफ, मैंने कहा जब रूल्स बने हुए तो लेट इट भी नहीं बनाते, तो मैंने फिर उसके आगे नहीं बनाई। आज की वीडियो यहीं पेंड करते हैं, हमें तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक घसकेट।